गुदड़ी के लाल। शाम का समय था। ठिगने कद का एक बालक अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय से घर की ओर लौट रहा था। सहपाठियों की टोली एक बड़े से बाग के पास से गुजरी। बाग में आम के पेड़ों पर ढेर सारे आम फले थे। आमों को देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने आपस में विचार किया कि बाग के अंदर घुसा जाए। सारे बच्चे बाग में घुसे, परंतु वह ठिगना बालक उनके साथ नहीं गया। एक सहपाठी ने उस बालक से चलने को कहा तो वह बोला, नहीं, मैं बाग के अंदर नहीं जा सकता। मैं चोरी से तोड़े गए आम नहीं खा सकता। जानते हो वह बालक कौन था? वह बालक थे लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। जब वे केवल 2 वर्ष के ही थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माता जी ने उन्हें बड़ा कष्ट सहकर पाल पोस कर बड़ा किया। वे देखने में दुबले पतले और नाटे कद के थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। लोग उन्हें गुदड़ी के लाल कहते थे। जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सन 1964 में असम एक मृत्यु हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री ही देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। देश की बागडोर संभालने के बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। बात सन 1965 की है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और सारी दुनिया बोल उठी, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। इसके बाद शास्त्री जी को सोवियत संघ रूस के ताशकंद शहर में जाना पड़ा। अचानक एक दिन रेडियो पर सुबह सुबह समाचार प्रसारित हुआ, शास्त्री जी हमारे बीच नहीं रहे, हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वह दिन था 10 जनवरी 1966 का, जब इस समाचार से सारा देश सन्न रह गया था। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देता रहे।